तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। तो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि मेरे को मोइनुल के स्टेडियम में अंदर आने का एंट्री नहीं मिला था, बट आज देख सकते हैं मैं आज अंदर आ चुका हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं अंदर का भी दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं मेरे पीछे है मोइनुल का वो ग्राउंड, देख सकते हैं अभी एक मैच चल रहा है वहाँ और मैं उस स्टेडियम पर खड़ा। स्टेडियम का अभी तो कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्टेडियम। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया स्टेडियम है यार। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये स्टेडियम बन जाए और यहां भी मतलब मैचेस हो, क्योंकि हमारे मतलब पड़ोस के स्टेट में लखनऊ में भी अब मैच स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि वहां की एक आईपीएल टीम आ गई है। उत्तर प्रदेश में मैच हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है। कब तक हम लोग टीवी पे मैच देखेंगे? हम लोग के यहाँ भी थोड़ा मैच हो, हम भी थोड़ा अपने आके अपनी टीम को चीयर करें स्टेडियम में। तो देख सकते हैं मैं स्टेडियम में आ चुका हूँ, कल तो मैं नहीं आ पाया था। तो देख सकते हैं पूरा मोइनुल का ग्राउंड, और मैं आपको एक बार पूरी तरह से स्टेडियम को दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक स्टैंड में खड़ा हूँ, अभी तो चेयर वगैरह नहीं है, जब मैचेस होंगे तो यहाँ पे चेयर भी लग जाएंगे। अभी बस ऐसे ही सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है स्टेयर जैसा, और यहाँ पे हम अभी जैसे बैठ गए यहाँ पे, मैं बैठ गया और यहाँ पे मैचेस चल रहा है। थोड़ा देर मैच इंजॉय करूँगा, आपको मैं स्टेडियम का एक बार नज़ारा दिखाता हूँ अच्छे से एंगल व्यू से। देख सकते हैं ये रहा स्टेडियम अच्छे से, देखिए मोइनुल का ये तो स्टैंड वगैरह है, मैं यहीं पर भी खड़ा हूँ। और ये गोल नुमा देखिए, यहाँ से स्टैंड स्टार्ट है पूरा, देखिए पूरा गोल घूमते घूमते वो सब स्टैंड ही है। ये देखिए ब्लैक बोर्ड वहाँ पे, वो बीच में वो देखिए मैच चल रहा है। देखिए दो लोकल ही जो टीम है बिहार की, पटना की, रीजन की, उन्हीं लोग के बीच मैच हो रहा है। और ये देख सकते हैं ये बीच वाला, ये और जो ब्लैक कलर का जो बोर्ड लगा रहता है मैच के दौरान, ताकि वाइट बॉल है तो एक बोर्ड यहाँ पे लगा रहता है, और एक बोर्ड देखिए वहाँ सामने के साइड एक बोर्ड लगा हुआ है। और ये तो दो बोर्ड हो गया आपका, जो मैच हो तो वाइट बॉल है तो सामने ब्लैक कलर का, कहते कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस ना हो बॉल को देखने में। और ऐसे ही अगर टेस्ट मैच होता है तो रेड बॉल से होता है, तो वहाँ पे बीच में ब्लैक बोर्ड की जगह वहाँ पे वाइट बोर्ड लगा रहता है। अभी तो बोर्ड लगाइए, बीच में आप कपड़ा वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये रहा ब्लैक बोर्ड का, और देखिए वहाँ पर देखिए वो रहा स्कोर बोर्ड हमारा। मैच जब भी चलता है तो वहाँ पे स्कोर शो होता है, एक स्कोर बोर्ड उधर है और एक स्कोर बोर्ड इधर के साइड है। तो अभी तो हम उधर के साइड गया नहीं है, उधर के साइड अगर जब हम चल के उधर साइड जाएंगे तो अभी तो यहाँ है, तो उधर का वो देखिए वो स्कोर बोर्ड वो दिख रहा है, और उधर जाएंगे तो हम लोग को इधर इस साइड का स्कोर बोर्ड दिखेगा। तो टोटल मिला के कुल यही स्टेडियम है हमारा, बहुत अंदर से तो स्टेडियम अच्छा है। बस एक बार स्टेडियम में ये जितनी भी कटाई छटाई हो जाए, अच्छे से मेंटेनेंस हो जाए, चेयर लग जाए, थोड़ा सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, थोड़ा रंगाई पुताई हो जाए, तो स्टेडियम काफ़ी लाजवाब हो जाएगा। थोड़ा बाहर में थोड़ा कुछ कचरा वगैरह है, उसको भी साफ वाफ कर दिया गया। तो देख सकते हैं ये बाहर का नज़ारा है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। स्टेडियम तो काफ़ी अच्छा है, तो एंड है ये बीच का ये पवेलियन है बाहर से। मैंने आपको पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि ये पवेलियन था, पवेलियन यही है जो हमारे उस टाइम के 1996 वर्ल्ड कप में, आपको मैं दिखा दूं ये वाला जो पवेलियन है, एक सेकंड। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था उस पवेलियन के बारे में, मोइनुल का जो बाहर से, मैं उसी के बाहर कल मैं खड़ा था, तो उसके बारे में बता दूँ आज फिर से। वो 1996 में यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, 1996 में लालू प्रसाद यादव, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था अब्दुल बारी सिद्दीकी के लीडरशिप में, अध्यक्षता में, तो उस टाइम ये बनाया गया था। उसका रीज़न यही था कि उस टाइम में बीसीसीआई ने 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक मैच यहाँ भी दिया था मेज़बानी का, तो इसीलिए इस पवेलियन को बनाया गया था। और उस टाइम में यहाँ पे एक मैच भी खेला गया था। टोटल इस स्टेडियम में 3 मैचेस खेले जा चुके हैं वनडे इंटरनेशनल के, और यहाँ पर बहुत सारे रणजी मैचेज होते हैं, बट अभी तो यहाँ पर मतलब सब कुछ बंद है, क्योंकि कुछ काम मिला है, शायद कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, थोड़ा सीटिंग कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाना है। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर भी मैचेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी तो मैच चल रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एक बहुत बढ़िया शॉट लगा लॉन्ग ऑन की तरफ, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। मैं अभी थोड़ा देख नहीं रहा था, मैं थोड़ा आप लोग को वीडियो बना के उसके बाद मैं थोड़ा मैच एंजॉय करूँगा, फिर मैं जाऊँगा। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी स्टेडियम बन जाए और अच्छे से सब कुछ कटाई छटाई हो जाए, जो भी यहाँ पे लगता है लगा दिया जाए, अच्छे से कलर वलर हो जाए, थोड़ा डेकोरेशन हो जाए, ताकि कुल मिला के तो स्टेडियम बहुत अच्छा है, काफ़ी हरा भरा है, मैचेस चल रही है, देखने में काफ़ी नज़ारा अच्छा है। तो जल्दी से जल्दी रिक्वेस्ट है मतलब बिहार के गवर्नमेंट से या जितने भी खेल मतलब मंत्री वगैरह है, जल्दी से मोइनुल पे भी ध्यान दिया जाए। ये भी बन जाता है तो बिहार में भी क्रिकेट मैच हो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बिहार वाले लोग जैसे जो बाहर रहते हैं तो वो जाके स्टेडियम में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई लोकल है हमेशा यहीं पर रहता है तो कब तक वो टी वी पर मैच देख के चीयर करेगा। एक बार उसे भी स्टेडियम आने का मौका मिलेगा, और मैं आशा करता हूँ, हम सभी का होप है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से मैच स्टार्ट हो और हम आके अपने टीम को चीयर करें, आईपीएल मैच हो या कोई भी मैच हो, रणजी भी हो, तो बस यही है। तो देख लीजिए आप, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ स्टेडियम एक बार अच्छे से।
अच्छा स्टेडियम है, मज़ा आया घूम के। कल तो मेरे को मौका ही नहीं मिला अंदर आने का। आज मैं आ रहा था, घूम रहा था, तो बस एक अंकल थे अंदर ही, उनका शायद कोई वैसे किसी भी बाहर वाले को यहाँ पे अंदर आना अलाउ नहीं है, क्योंकि स्टेडियम अच्छा नहीं है, हर जगह जंगल है, कहीं कोई मतलब किसी को दिक्कत ना हो, इसीलिए नहीं अलाउ है। बस प्लेयर लोगों को अलाउ है, जो लोकल है वो आके अपना प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, और कुछ लोकल जो छोटी छोटी टीम है उनका बाहर भी स्टेडियम। मैंने आपको कल दिखाया था, तो एक अंकल थे यहीं के लोकल थे, मतलब यही स्टेडियम में शायद कुछ अधिकारी वगैरह थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया तो वो अंदर आने दिए, उनका बहुत बहुत थैंक्स। और तो बस यही स्टेडियम है गाइस, अगर बहुत धूप लग रहा है आँख पे, एक बार मैं थोड़ा एंगल चेंज कर लेता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वो जो लाल वाला बटन है उसको दबाएं, सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के सामने रेड वाले बटन को जब दबाने का, उसके सामने एक घंटा का साइन है, उस पर ऑल को उस पर सेट कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मैं थोड़ा देर यहाँ पे रहूँगा, मैच एंजॉय करूँगा और फिर मैं जाऊँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज़।